राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थियों का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी एक ही परिवार के थे, परिवार का एक सदस्य जिंदा बचा है। इन सभी को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका है। ये वही खेत है, ये वही झोपड़ियां हैं, जहां के साए में 12 सदस्यों का एक परिवार कल तक उम्मीद भरी जिंदगी की मुराद मांग रहा था। ये परिवार पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवार था, लेकिन आज 12 में से 11 सदस्यों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में देचू थाना के लोड़ता गांव में ये वारदात हुई है। यहाँ पर जिनके शव मिले हैं उनमें 75 साल के बुद्धाराम, उनकी पत्नी अंतरा देवी, 31 साल का बेटा रवि, बेटियां 40 साल की लक्ष्मी, 25 साल की जिया और 22 साल की सुमन, पौत्र 17 साल का मुकदस और 12 साल की नयन के अलावा बुद्धाराम के जिंदा बचे बेटे केवल राम के 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर जिले में देचू के अचलावता गांव में यहां पर 11 लोगों की मौत हुई है। सुबह जब एक व्यक्ति इस परिवार का जिंदा रह गया, 12 लोग थे इस परिवार में, एक व्यक्ति यह कहना है कि यहाँ से करीब 500 मीटर दूर वो दूध निकालने गया था और दूध निकालते वक्त उस टीले पर सो गया था। उसके बाद जब वो सुबह आया तो यहाँ देखा कि 11 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि खेत का किस तरह से इलाका है जहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ हमें जाँच के लिए आए हैं। और जो कुछ अब तक पता चल पाया उसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन मिले हैं यहाँ पर, उसको इंजेक्ट किया गया है जहरीला, और उसके अलावा कई जो है कीटनाशक भी मिले हैं। तो जोधपुर में मौत के मुंह में समा गया पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार 2015 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उम्मीद कर रहा था कि CAA जैसा कानून पास होने के बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। जोधपुर में जहां इनकी लाश मिली वहां पर ये हाल फिलहाल में ही रहने आए थे। पाकिस्तान के भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार पढ़ा लिखा था। बुद्धाराम परिवार की 2 बेटियां पाकिस्तान में नर्स का कोर्स करके आई थी। मृतक बुद्धाराम का एक बेटा भारत में नागरिकता ना मिलने से निराश होकर वापस पाकिस्तान लौट चुका है। तो उधर जिंदा बच गए बुद्धाराम के बेटे केवल राम के मुताबिक उनका जोधपुर में रह रहे ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष ने जिंदा मार देने की धमकी दी थी। बुद्धाराम के 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी जोधपुर में रह रहे इसी परिवार में आपस में हुई थी। मेरी पत्नी ने ये बोला था और मेरे ससुर ने, सालू ने और संजू ने, तो इस परिवार को भारत में छोड़ना नहीं है तो छोड़ना। बहुत संभव है कि ये मामला निजी रंजिश का हो, लेकिन शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का मामला होने की वजह से इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। परिवार में गरीबी और उनके तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होने की बात भी सामने आई है। 11 लोगों की डेथ का पता चला करीब 10:30-11 बजे। प्लक साहब, SP साहब, एडिशनल SP ग्रामीण, CO वाले सर, SHO देचू सब मौके पे पहुंचे। FSL टीम को बुलाया गया और फिर जो भी यहाँ घटनास्थल के साक्षी थे उनको कलेक्टेड किया गया। उसके बाद डेड बॉडीज को PM के लिए रवाना किया गया। FIR दर्ज की गई है। आफ्टर PM आगे इन्वेस्टिगेशन करके घटना खुलासा किया जाए। 11 शरणार्थी हिंदुओं की मौत के इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से जोधपुर में कराया जाएगा। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक।